MI का Y1 है, जिसे हम A1 कहते हैं, डेड कंडीशन में है और इसकी टेस्टिंग हम करेंगे। और यहाँ पे जो बोर्ड का कंडीशन है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इधर CPU के पास, MMC के पास और पावर IC के पास किसी ने हीट लगाया है, जबकि इस साइड का कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं, पतरा तक नहीं निकला है, जबकि BQIC अंदर पड़ी हुई है। और इस साइड से तो फ़ोन देखने में लग रहा है कि अभी रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बैक साइड से जिधर CPU है उधर किसी ने हीट लगाया है। और इसको माइक्रोस्कोप पे हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पे CPU के पास और MMC चिप के पास काफ़ी पेस्ट मिला मुझे और काफ़ी डस्ट मिला। मैं उसे वाश किया अच्छे से और उसके बाद थोड़ा सा ये क्लीन हुआ है। और अभी हमें ये जो PMI 8940 लगी हुई है, इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये ओके कंडीशन में है कि नहीं। तो पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ ऑन करके कि DC में कितना करंट कंजप्शन कर रहा है। और इसमें हमारा ये पहले बैटरी से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बैटरी से हमारा ये फ़ोन ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो बैटरी से तो ये बटन कटा हुआ है, तो इससे तो होगा नहीं। तो फिर मैं यहाँ इससे शॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं बैटरी पावर भी देख लेता हूँ क्या है, ऑन होने भर का है कि नहीं है। तो बैटरी की पावर जो है उसको पहले देखते हैं कितनी है। ये 3.7 है बैटरी की पावर। बैटरी हमारा चार्ज है लेकिन फिर भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और हम पावर बटन पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रही है, जो कि हमारा ट्रिगर होना चाहिए। और ट्रिगर होने के बाद फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होनी चाहिए, ना वाइब्रेट कर रहा है और ना ही फ़ोन स्क्रीन शो कर रहा है, यानी कि डेड कंडीशन में है। मैं DC पे आपको दिखा देता हूँ तुरंत। इसको DC में लगाते ही आपका जो करंट कंजप्शन है, ऑटो करंट नहीं है, इसका मतलब VPH लाइन और VBAT लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ऑटो करंट नहीं ले रहा है। और अब हम ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने से ये 0.5 एम्पियर तक जा रहा है और इसके जब छोड़ रहा हूँ तो ये जीरो हो जा रहा है। और फिर से मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, ये 0.5 एम्पियर तक जा रहा है और छोड़ दे रहा हूँ तो ये जीरो हो जा रहा है। तो इस केस में हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि जो BQIC है उससे पावर गुड निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो चार्जर लगा के हम ये चेक करेंगे कि पावर गुड निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो चार्जर लग चुकी है और अभी मैं यहाँ एक कंपोनेंट होता है माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, जहाँ पे हमको पावर गुड चेक करना होता है। तो यहाँ जो कैपेसिटर टूटी हुई है, इसके जस्ट बगल में ये रजिस्टर है, इस पर हमको पावर गुड चेक करना है। तो यहाँ कोई पावर गुड हमारा प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि मैं चार्जर निकाल के लगाऊंगा। अभी चार्जर को ज़रा आप अपने हाथ से निकालिए, इधर से चार्जर को निकाला, ये देखिए वोल्टेज आई। पावर गुड 1.8 होती है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज कहाँ से आ गई। सही से लगाइए चार्जर, फिर से हिल गई पॉइंट, वहाँ से चार्जर निकाली, यहाँ से नहीं, इसको लगा दीजिए, ठीक है, उस पॉइंट से निकालिए। और मैं अभी एक बार V बस देख लेता हूँ। V बस की रीडिंग, हाँ, 3.4 वोल्ट है। यहीं पे हमारा कंपोनेंट पे देखिए, ये वोल्टेज गई 0.0 है। और मैं आपको कंपोनेंट भी दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस पर हमको टेस्टिंग करनी है और उंगली नहीं सटनी चाहिए, ठीक है। अब एक मिनट, मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, अब निकालिए उसको। देखिए 0.77 आ रहा है, यानी कि एक वोल्ट के आसपास ये आ रहा है, फिर चला जा रहा है। फिर लगाइए, निकालिए, यहाँ देखिए आधा आधा वोल्ट, जबकि इसको 1.5 वोल्ट आना चाहिए। थोड़ी सी वोल्टेज आ रही है और चली जा रही है। तो इस केस में हमारा ये है कि BQIC पावर गुड ऑन नहीं कर रही है। तो रीज़न ये हो सकता है कि जो सिस्टम पावर बन रहा है, इसमें BPH पावर की लाइन ओके है, क्योंकि इसमें ऑटो करंट कंजप्शन नहीं है। तो इसमें जो सिस्टम पावर बन रहा है, वो BPH पावर इसके अंदर इंटर करती है BQ 8940 के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं, इनको हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। तो मैं इसे बजर रेंज पे कर लेता हूँ और इसे हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे कंपोनेंट नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए ये शॉर्टिंग शो कर रहा था जैसे लग रहा है। मैं एक बार इसको फॉरवर्ड बायस में ही करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बजर शो कर रहा है, ये बक लाइन की कंपोनेंट है जो कि शॉर्ट बता रही है। ये बक लाइन की शॉर्टिंग है और रीडिंग भी 0.0, यानी कि इस केस में हमारा
यहाँ पे देखिए दूसरी भी शॉर्टिंग है, ये बची हुई है। ये रीडिंग ओके है, ये रीडिंग ओके है, यहाँ पे बजर है और यहाँ पे बजर है और यहाँ पे तीन क्वाइल जो हैं डायरेक्टली बजर शो कर रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कि मेरा पावर आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है और सीपीयू में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बजर के साथ, बजर के साथ यहाँ देखिए लो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि ये लाइन शॉर्ट हुई है। अगर ये जो रीडिंग 9 शो कर रही है, ये अगर 50 होती, 60 होती, 56 होती, ऐसे 50 के ऊपर होता तो हम मान सकते थे कि ये GR सही आ रही है कुछ हद तक, लेकिन अभी जो GR आ रही है वो अच्छी नहीं है, ये गुड नहीं है। ये 0-0 देखिए, ये तो पूरी 0 चली जा रही है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ना वो तो परफेक्टली शॉर्ट हुई है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है परफेक्टली शॉर्ट हुई है और यहाँ पे रीडिंग है। तो मैं अभी इसको ट्रेस करूँगा और देखूँगा कि ये जो लाइन है वो जो शॉर्ट हुई है वो परफेक्टली जो शॉर्ट शो कर रही है वो किस आईसी से शॉर्टिंग है, वो कौन सी लाइन है, पहले मैं उसे स्कीमेटिक में देखता हूँ। तो इसको मैं स्कीमेटिक में देखता हूँ कि परफेक्टली शॉर्ट जो हुई है वो कौन सी आईसी है। वहाँ पे जो डायरेक्टली बीप दे रहा है 0 रीडिंग के साथ, यहाँ पे चांस बन रहा है कि हमारा सीपीयू शॉर्ट है, लेकिन मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर बनने लायक रहेगा तो बनाया जाएगा, नहीं तो फिर सीपीयू तो चेंज करना होगा। 8940 अपने पास है भी नहीं भी, लेकिन मैं पावर आईसी से ट्राई करता हूँ और सीपीयू रिवॉल्व करके भी ट्राई हो सकता है। तो ये जो केस है ये, जबकि कोई भी शॉर्ट नहीं आनी चाहिए थी, रीडिंग आनी चाहिए थी, यहाँ पे हमारा रीडिंग नहीं है और शॉर्टेज शो कर रहा है, शॉर्टिंग शो कर रही है। तो अभी हमको क्या चेक करना है, कॉइल चेक करना है जिसकी लाइनें चेक करनी है, तो हमको इसके लिए स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करना होगा और इसमें हमें बोर्नियो में खोल रखा हूँ और इसमें मुझे रेडमी नोट 5 ए का ये स्कीमेटिक है, 5A का ये जो है स्कीमेटिक, इसका लेआउट यही A1 का और Y1 का इसी से मैच करता है। तो मैं इसका लेआउट खोल रहा हूँ और इसका स्कीमेटिक डायग्राम, तो अभी लेआउट में पहले बोर्ड दिखा देता हूँ कि बोर्ड की क्या शेप है, वो बोर्ड कैसी है, जो बोर्ड हमारे पास है वो बोर्ड, हाँ वही बोर्ड है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको वो आईसी के पास जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसका नाम नोट करा देता हूँ कि वो क्या नाम से है। तो यहाँ जो नीचे हमारा तीन कॉइल नज़र आ रहा है, ये हमारा अलग अलग नाम से है तीनों, L502, L505 और L506, L502, L505 और L506, ये तीनों कॉइल शॉर्ट बता रही है। तो 502, 505, 506 को हम स्कीमेटिक में सर्च करेंगे, यहाँ लिखेंगे L502, L500 था तो पहले 0 लगाएंगे। यहाँ देखिए आ गया ये, इसको जूम करते हैं तो ये अपना S2 स्टेज की सप्लाई है, CPU की कोर वोल्टेज है और L513 है ऊपर, L1300 है, L503 नीचे है और L504 नीचे है और L505 नीचे है, 3, 4, 5 नीचे है और 6 कहाँ है उसको हमें देखना है अभी। तो मैं पहले एक बार कंफर्म करता हूँ कि यहाँ पे L502 है शॉर्ट बता रही है, L505 और L506 जो है वो क्या है उसको देखते हैं। 505, 506 जो है, L504 तक यहाँ है, L505, 506 बक लाइन की सप्लाई है S5, S6 स्टेज की, तो वो हमारा लो रीडिंग आ रही है तो बक लाइन शॉर्ट हो चुकी है। रीज़न हो सकता है कि CPU शॉर्ट है, क्योंकि ये जो बक लाइन की करंट है 3 एम्पियर वाली लाइन जो है शॉर्ट है और यहाँ पे हमारा जो करंट है 2.5 एम्पियर है। ये हमारा L502 को चेक करना है, L502, L505 और L506 यही तीन कंपोनेंट शॉर्ट बता रहा है, 505, 506 और 502, 505, 506 बैक लाइन की है दोनों और ये 502 क्या है उसको मैं एक बार फिर से सर्च करता हूँ। यहाँ पे L502 S2 स्टेज की सप्लाई, ये भी हमारा 502 जो है प्रॉब्लम में है, यहाँ पे है तो S2 स्टेज की सप्लाई शॉर्ट हुई है और हमारा बक लाइन शॉर्ट हुई है, यानी कि दो लाइनें शॉर्ट शो कर रही हैं। इसलिए मैं पावर आईसी चेंज करना पसंद करूंगा, उसके बाद से अगर नहीं हटती है पावर आईसी निकाल के, या फिर कॉइल को मैं निकाल सकता हूं, आउटपुट कॉइल को 502 वाले को, और फिर चेक करूंगा कि शॉर्टिंग किस साइड है, अप साइड या डाउन साइड, तो उससे हमारा कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि सीपीयू हमारा गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा कि यहां पे
जो मेरा पहला काम होगा ये हमारा होगा कि पहले मैं एक कॉइल रिमूव करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा रिमूव कॉइल, उसके बाद से करूँगा काम। तो पहले कॉइल निकालता हूँ, जो भी कॉइलें तीनों शॉर्ट हैं उनको निकालेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड। यहाँ शॉर्ट किलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे शॉर्ट किलर लगाएंगे सीपीयू दग जाएगी, सीपीयू बची भी होगी तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और तीनों कॉइलों को अपने अपने जगह पर रखेंगे, कि ये सबकी एम्पियर अलग अलग होती है। रीज़न ये हो सकता है कि किसी ने ज़ोर से हिट लगा दिया, इस वजह से भी ये आईसी शॉर्ट हो गई होगी, अंदर बॉल मेल्ट कर गया होगा। तो इसलिए मैं अभी एक बार कॉइल निकाल के कंफर्म करता हूँ कि शॉर्टिंग सीपीयू साइड है कि पावर आईसी साइड है। मैं पावर आईसी निकाल के भी चेक कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मैंने तीनों कॉइलों को तीन जगह रखा है और ताकि मुझे याद रहे, और मैं थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ इसे। इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा शॉर्टिंग सीपीयू में है कि पावर आईसी साइड में है। अब मैं टेस्टिंग करूंगा, क्योंकि जो शॉर्टिंग की लाइन है मैंने उसको डिसब्रेक कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इससे क्या होगा, टेस्टिंग आसान हो जाएगी। और बजट रेंज पे मेरा फ़ोन है, ठीक है, बजट रेंज पे मेरा फ़ोन है, थोड़ा सा कूल होने देते हैं क्योंकि हीट की वजह से भी, सॉरी मल्टीमीटर बजट रेंज पे है। और यहाँ पे ये हमारा कूल हो जाने देते हैं, क्योंकि ये हीट की वजह से भी बजर दे सकता है, तो कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि ये बक लाइन है, तो इसको हमें केयरफुली चेक करना होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जीआर के लिए। तो डाउन साइड में बजर नहीं, 400 की रीडिंग है, यानी कि जो पावर आईसी से अंदर से कनेक्टेड लाइन है उसमें प्रॉब्लम तो हमें नहीं मिला। आउटसाइड में देखिए जीआर काफ़ी लो हो गई है, 10 हो गई है, 9 हो गई है। इधर पावर आईसी साइड से ये भी हमारा सीपीयू लाइन है, दोनों एक ही में कनेक्ट होते हैं आपस में ये दोनों लाइन, क्योंकि S5 और S6 एक साथ बनती है। और ये हमारा 400 के आसपास जीआर है, यहाँ पे सीपीयू लाइन है, ये शॉर्ट है, और ये हमारा 400 के आसपास ये भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पावर आईसी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर आईसी को हमें हीट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लाइनें हमारी क्लियर हैं, तो मैं सीपीयू निकालूंगा और सीपीयू को रिवॉल्व करके दोबारा से मैं ला के यहाँ बैठाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। अगर सीपीयू रिवॉल्व करके लगाने से भी शॉर्टिंग आ जाती है तो फिर सीपीयू को मैं चेंज करूँगा। तो अभी मैं कॉइल लगा देता हूँ, क्योंकि इस बात की कन्फर्मेशन हो चुकी है कि हमारा जो है सीपीयू शॉर्ट के केस में है। रीडिंग जो है काफ़ी लो हो चुकी है, 0.10 हो चुकी है, 9 हो चुकी है। अगर वो 50 के ऊपर होता ना, 50 के ऊपर, तो मैं छोड़ देता, तो मैं पावर आईसी पे काम करता। तो ये मेरा तीनों कंपोनेंट लग चुका है। और अब हमें सीपीयू पर थोड़ा पेस्ट लगाना है और सीपीयू को बाहर करना है। उससे पहले मैं कैमरा वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि अब बड़ी आईसी को मैं हीट लगाने जा रहा हूँ, तो हीट की वजह से कैमरा वगैरह ख़राब हो सकती है।
ये रीज़न हो सकता है कि जिसने भी हीट लगाया वो काफ़ी तेज़ी से सीपीयू को हीट लगा दिया होगा, तो इस वजह से हमारी बक लाइन जो है वो शॉर्ट हो गई होगी या फिर सीपीयू शॉर्ट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो मैंने अभी कॉइल रखा उसका निशान है, नहीं सीपीयू दगी नहीं है, सही है। और इसका कॉर्नर पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, परफेक्ट बैठी हुई है, तो मैं ऐसे ही इसको निकाल के दोबारा से बैठाऊँगा। तो इस पर मैं पहले हल्का पेस्ट लगा लेता हूँ ताकि इसे उठाने में आसानी हो जाए। हीटर 350 पे और एयर 1 के अप्रॉक्स होगा, हमारा 857-80 का SMD है। डैमेज नहीं हुई है, सारे बॉल्स एकदम परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि जो बक कॉइल्स है वो शॉर्ट है कि नहीं है। तो हमारा रिवर्स बायस में, हमारा इस साइड में, यहाँ पे देखिए 500 की रीडिंग तो शो करेगी ही करेगी अब, क्योंकि केवल पावर आईसी इससे कनेक्टेड है, सीपीयू कनेक्टेड नहीं। इससे हमारे इस बात का कन्फर्मेशन होता है कि कोई कंपोनेंट की वजह से ये नहीं था, और वो होता ही है, सीधे सीपीयू से ही होता है, क्योंकि सीधे सीपीयू ही कनेक्ट होती है इन लाइनों से। तो बीच में वाटर मिला हमको थोड़ा सा, और बीच की पिनें जो होती हैं वही होती हैं हमारी बक लाइन की, क्योंकि पावर बीच से ही दिया जाता है, साइड से नहीं। तो मैं इसे एक बार रिवॉल्व करके आईसी को दिखा देता हूं आपको, मैं एक बार इसे रिवॉल्व करके फिर से बोर्ड पर फिक्स करता हूं। तो उससे पहले मैं रिवॉल्व कर लेता हूं, और रिवॉल्विंग के प्रोसेस को मैं अभी स्किप कर रहा हूं, ठीक है। रिवॉल्विंग के प्रोसेस को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है। तो आईसी रिवॉल्व हो चुका है, सीपीयू जो है, अब हम इसको केवल बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे अगर दोबारा से बजर वही आएगी जैसे थी तो हम करेंगे ये कि दूसरी आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे फिर, यानी सीपीयू चेंज करेंगे। अगर हमारा बीप नहीं आया और आईसी ठीक से बैठ गई तो फिर मेरा काम हो गया, फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए।
इसके लिए हम सीपीयू को एकदम बराबर से रखते हैं यहाँ पे। और अब हीट लगाना शुरू करते हैं। हीट 3.5 पर और एयर 1 पर है। आईसी हिल के अपने जगह पे बैठी है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और सबसे पहले हम चेक करेंगे बक कॉइल पे बजर और जीआर क्या है। अगर बजर अभी भी है बक कॉइल पर और S2 स्टेज की सप्लाई में तो प्रॉब्लम होगा सीपीयू का। सीपीयू कर फिर हम इसको नया सीपीयू यहाँ पर लगाएंगे। अभी काफ़ी हीट है ये, तो इसमें थोड़ा लिक्विड डाल के इसको जल्दी से ठंडा कर देते हैं। हो सकता है कि ये जो सीपीयू था वो पहले से ही किसी ने रिवॉल्व करके देख लिया हो और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो। अभी भी बोर्ड हीट है, हीट की वजह से वो परफेक्ट जीआर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू हमारा परफेक्टली लग चुका है, लग रहा है। यहाँ पे हमारा रीडिंग चेंज हो गया, 199 के आसपास आ गया, 153, और ये अब बजर भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन की सीपीयू लग चुकी है और ये हो सकता है कि हमारा काम बन गया हो इसी सीपीयू पे। बाकी और सारी रीडिंग है सही है, देख लेता हूँ और सारी रीडिंग सही है। एक बार मैं फ़ोन को ऑन करके चेक करता हूँ। अब तो बक लाइन में शॉर्टिंग थी जो कि सीपीयू लगाने से, रिवॉल्व करके लगाने से चली गई। और अब हम इसे दोबारा से एक बार ट्रिगर करके देखते हैं। अब डीसी में देखते हैं क्या ट्रिगर ले रहा है। डीसी पर कोई ऑटो करंट नहीं ले रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रिगर ले रहा है। अब 50 से ऊपर चला जा रहा है, 70 पर जा रहा है और छोड़ने पर ये स्टक हो रहा है। छोड़ने पर ये अब स्टक हो रहा है, यानी कुछ काम हुआ है फ़ोन में। सीपीयू रिवॉल्व हुई है, एमएमसी को भी लग रहा है काम करना पड़ेगा, और या फिर हो सकती है कि सीपीयू की रैम सेक्शन की बॉल्स जो है वो कनेक्ट नहीं हुई हो और पावर सेक्शंस की बॉल कनेक्ट हो गई हो।
तो मैं सीपीयू को पेस्ट लगा के हल्का सा एक बार और हीट करूँगा और ट्राई करूँगा कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद फिर यानी कि ये फ़ोन अब ये बन जाएगा फ़ोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा, सीपीयू सही है। तो इसे सीपीयू को मैं थोड़ा सा और पेस्ट लगा के हीट करूँगा और हल्का सा हिलाऊँगा अपने जगह पर इसे। तो इसमें मैं हल्का पेस्ट लगाऊँगा, पहले हीट कर लूँ और एमएमसी को भी थोड़ा हीट दे देता हूँ क्योंकि काम हुई है पहले से, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें भी वाटर डैमेज हो सकता है। पावर आईसी हमारा बिल्कुल ओके है क्योंकि हमारा ले जाके स्टक कर रहा है 70-60 पर। तो सीपीयू एमएमसी को मैं हल्का हल्का हीट लगाऊंगा पेस्ट लगा के। मैं इस पेस्ट का यूज़ करूँगा। मुझे हल्की सी एमएमसी को हिलानी है और सीपीयू को भी एक बार मेल्ट करना है। रीडिंग लेकर रुक रहा है यानी कि कंप्यूटर में ऑटो पोर्ट बनाएगा ये, अभी उसको भी मैं चेक करूँगा। पहले सीपीयू और एमएमसी को थोड़ा सा हल्का हीट देके एमएमसी को अपनी जगह पर हिला लेता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जिसने भी इससे पहले रिपेयर किया वो एमएमसी सीपीयू पावर तीनों को हीट लगाया था और वॉश करके दे दिया था। ठीक है, एमएमसी चिप हल्की सी हिली और मैं बोर्ड को भी ठंडा होने देता हूँ। तो मैं इसे हल्का सा क्लीन भी कर लेता हूँ। इधर दिखा दो यहाँ पे। फ़ोन ऑन हो गई, फ़ोन वाइब्रेट किया जबकि डिस्प्ले पर कुछ नहीं आया। तो मैं एक बार इसको डीसी में आपको दिखा देता हूँ। ये डीसी पे आप इसको देख लीजिए, इसकी स्टेटस को, ये ऑटो करंट तो नहीं ले रहा और अब यहाँ पे ये 1 एम्पियर के ऊपर चला गया और ये कट हो गया। अभी वाइब्रेट किया और डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारा एमएमसी चिप के अंदर फॉल्ट होगा। यहाँ पे देखिए फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन हुई है और स्टक कर गई है। एमएमसी चिप को हीट करने के बाद ये हुआ और अभी देखिए ऑटो ये रीस्टार्ट ले रहा है, दोबारा से ये वाइब्रेट किया और ये इस बार 2.5 एम्पियर तक गया।
3 एम्पियर तक डिस्प्ले आ जाना चाहिए था, लेकिन डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। फ़ोन ये ऑन हो चुकी है लेकिन डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, बार बार ये ऑन ऑफ हो रहा है और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, तो ये केवल वाइब्रेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम हमारा MMC चिप के अंदर हो सकता है। तो इस तरह से आप CPU को ट्रेस कर सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि CPU में प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए कैसे बक लाइन जो थी उसकी रीडिंग जो थी वो कम हो चुकी थी और उसकी जो GR थी वो कम हो चुकी थी, जिस वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। और अभी जो GR है, अभी जो लाइन की रीडिंग है वो देखिए 8200 कुछ पहुंच चुकी है, और यहाँ पर भी हमारा देखिए 200 कुछ हो चुकी है और यहाँ पर भी 200 कुछ हो चुकी है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा कि जो ये फ़ोन है ऑन तो हो गया, वाइब्रेट करने लगा, लेकिन MMC चिप को अगर किसी बंदे ने हिट नहीं लगाया होता तो आज शायद ये फ़ोन अभी ये प्रॉपर ऑन हो गया होता इस टाइम। लेकिन अब मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और MMC चिप को भी प्रोग्राम करके लगाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो इस तरह से आप CPU की ट्रेसिंग कर सकते हैं और फ़ोन को ऑन कर सकते हैं अगर बक लाइन की शॉर्टिंग होगी या फिर कोर वोल्टेज की S2 स्टेज S1 स्टेज की शॉर्टिंग होती है। तो थैंक यू।